नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट दिथालोक में। मैं वीके शुक्ला। भारतीय राज व्यवस्था और संविधान हम लोग देख रहे थे, पिछले दो लेक्चर हम लोगों देख चुके हैं भारत के संविधान विकास का जो काल था। अब जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमें ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का भाग तीन यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारतीय संविधान की ये दो पार्ट, ये दो भाग इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे जितनी भी हाई क्लास की परीक्षा हो, मीन चाहे आईएएस की हो, पीसीएस की हो, लोअर की हो, सबॉर्डिनेट्स की हो, कहीं पर भी कोई परीक्षा हो, आप देखिए तो यदि प्रश्न आते हैं तो इनसे अछूते प्रश्न नहीं रहते। मीन्स मौलिक अधिकार और भारत की जो संविधान है, इसके राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी भाग तीन और भाग चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम लोग भाग तीन पर चर्चा करेंगे, है ना, भाग तीन मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनका जो समावेश किया गया है उसका उद्देश्य दोस्तों केवल इतना है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता, उनके जीवन की गरिमा, उनके जीवन के जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए दिया गया है। यदि हम बात करें कि भारत के संविधान में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो वर्तमान समय की यदि बात करें तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने इसे क्या किया था, अंगीकृत किया था, अडॉप्ट किया था, और 26 जनवरी सन 1950 से हमने इसे पूरे देश में लागू किया। तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ दोस्तों, उस समय भारत के संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का 300A के तहत उसे क्या बना दिया गया, मात्र एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग और ये बात करें कि मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मौलिक अधिकार की उत्पत्ति अमेरिका से मानी जाती है, मैग्ना कार्टा से। ठीक है, मैग्ना कार्टा अमेरिका ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकारों के रूप में लिखित दस्तावेज थे और उन्हीं लिखित दस्तावेजों को मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आइए भारत के संविधान में यदि हम बात करें कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग तीन में, और यदि बात करें कि कहां से कहां तक दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये 12 से लेकर 35 तक पूरा का पूरा एक हमारा बल्क है जो मौलिक अधिकारों से डील करता है। कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार यदि हम बात करें भारत के संविधान में दिए गए हैं दोस्तों, तो कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार। पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। समता का अधिकार हमारा बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो उपबंध किए गए हैं वो समता या समानता के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक, है ना, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये क्या बताता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा
शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। और इसके बाद अनुच्छेद 31 32 में था हमारा जो है वह 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आखिरी है हमारा छठवां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 दोस्तों, है ना। ये कुल मिलाके हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में वर्णित हैं। आपको दो तरीके से याद करना है, एक तो आपको एक एक अनुच्छेद याद करना है कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है। दूसरा आपको बल्क भी याद रखना है, कैसे, मीन्स समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कभी कभी क्या करते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा किससे सुमेलित है या कौन किससे सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समता का अधिकार, पहला जो मौलिक अधिकार है दोस्तों हमारा, समता का अधिकार है ना, इसको पढ़ने से पहले हमने आपको बताया कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है ये 12 से लेकर 35 तक दिए गए, लेकिन हमने शुरू कहां से किया, 14 से। तो 12 और 13 भी जान लेना महत्वपूर्ण है। आइए बता दें आपको कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या कहलाता है, है ना। देखिए, ये मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं ये किसके विरुद्ध प्राप्त हैं, तो ये किसके विरुद्ध प्राप्त है दोस्तों, राज्य के विरुद्ध। अर्थात राज्य आपके यानी किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, लेकिन राज्य आप कहेंगे किसे, किसको आप राज्य कह के संबोधित करेंगे या किसे राज्य माना जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 12 जो हमारा बात करता है दोस्तों वह यही बात करता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा यानी राज्य आप किसे कहेंगे, है ना। आइए देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत किसे किसे रखा गया है। देखिए, भारत सरकार और संसद, भारत सरकार और संसद। दूसरा है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, यानी राज्य की जो विधायिका होती है, राज्य विधानमंडल। तीसरा, सभी
स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायतें हो गई, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सभी क्या है? स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। अब यहां पर तीन चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, भारत सरकार बिल्कुल क्लियर है, इसको कोई भी आपको बताने या समझने या व्याख्या की चीज नहीं है। भारत सरकार मीन्स केंद्र सरकार, वो राज्य की परिभाषा में आती है। संसद, संसद मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी इन तीनों से मिलकर क्या है? संसद का निर्माण होता है। तो ये तीनों क्या है? संसद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट। राज्य सरकारें, चाहे किसी भी स्टेट की राज्य सरकार हो, राज्य विधानमंडल, यानी यदि दो सदनीय है तो विधानसभा और विधान परिषद, और सिंगल है तो विधानसभा। स्थानीय प्राधिकारी मैंने आपको बता दिया, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतें, म्यूनिसिपालिटीज या और भी जो भी संस्थाएं रहती हैं। तो ये क्या है? सभी स्थानीय प्राधिकारी। अब यहां पर शब्द आता है अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी शब्द की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत सारे केसेस में की गई, बहुत सारे वादों में की गई, बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें किए गए। उन्होंने कहा कि अन्य प्राधिकारी में किसे आप मानेंगे कि ये राज्य है और किसे मानेंगे कि राज्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए, एक क्षेत्र रखिए। नहीं, जैसे मान के चलिए BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, अब क्या BSNL राज्य की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? मीन्स यदि BSNL आपसे कोई भी डाटा कहता है कि आप 399 का रिचार्ज करिए अनलिमिटेड, हम आपको टॉक टाइम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और यदि नहीं करता है तो क्या है? आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आपके साथ फ्रॉड किया गया, झूठ बोला गया। तो क्या BSNL के खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं? क्या BSNL राज्य की परिभाषा में आएगा या नहीं आएगा? तो इन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं जिसमें 51% की हिस्सेदारी सरकार की हो, वो किसी भी सरकार की, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ठीक, यदि 51% की हिस्सेदारी सरकारों की है तो ऐसी संस्थाओं को हम क्या मानेंगे? सरकार, वो राज्य की परिभाषा में रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या राज्य की सेवा परिभाषा में आएगा कि नहीं? बोले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, भले भी इनके अधिकारी कर्मचारी और वो संविदा पर नियुक्त हैं, लेकिन ये है तो किसका उपक्रम? भारत सरकार का, राज्य सरकार का उपक्रम है, अंडरटेकिंग है। बैंक है, बैंक क्या है? गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो बैंक क्या है? राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब आता है कि क्या एनसीईआरटी का आपने नाम सुना होगा, बोले क्या एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा? तो बोले एनसीईआरटी का काम क्या है? एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या है? पाठ्यक्रम निर्धारण का काम करती है। इसका काम क्या है? पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। एनसीईआरटी के लोगों को गवर्नमेंट पेमेंट नहीं देती है, एनसीईआरटी के लिए गवर्नमेंट फंड नहीं रिलीज करती है, इनको पैसा कौन देता है? सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बोर्ड इनको पैसा देता है। तो बोले एनसीईआरटी राज्य नहीं माना जाएगा। चंद्रमोहन खन्ना बनाम भारत सरकार, भारत राज्य, भारत संघ, चंद्रमोहन खन्ना बनाम भारत संघ का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक, तो यहां पर राज्य शब्द की परिभाषा, यदि राज्य की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो राज्य में कौन कौन आएगा, यह परिभाषा कहां दी गई? अनुच्छेद 12 में। अब आइए अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन यदि हम बात करते हैं, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है मित्रों, ऐसा कोई कानून
जो चाहे केंद्र के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया हो। ऐसा कोई कानून चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा निर्मित किया गया है, वो ऐसे कानूनों को की समीक्षा करने का जो अधिकार होता है, समीक्षा का अधिकार है कि क्या वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान सम्मत या संविधान के दायरे में है या नहीं है वह कानून। ऐसा कोई कानून जो संविधान सम्मत है या नहीं, उसकी संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, उन्होंने कानून बनाया था, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन किया, जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए उन्होंने एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में उस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक संशोधन क्या कर रहा है, या यह संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान की जो आत्मा है उस पर कुठाराघात कर रहा है। ठीक, तो न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन क्या कहलाता है, मीन्स केंद्र या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना कि क्या वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, यही कहलाता है हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है। ठीक, किन किन न्यायालयों को प्राप्त है यदि बात करें तो देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, केवल यही दो न्यायालय भारत में हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर एम्पावर्ड टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ मेड ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? चल, 12-13 हमने देख लिया, अब आते हैं हम अपने मौलिक अधिकारों पर। पहला मौलिक अधिकार हम लोग देखते हैं समता का, है ना, समता का अधिकार। समता या समानता एक ही चीज होती है। यह कहां से कहां तक दिया गया है, 14 से लेकर दोस्तों 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिक भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार होगा। मीन्स वो सब समान होंगे, चाहे वह किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति को, इवन कोई विदेशी भी आया है भारत में, उसे भी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 देता है। इसमें दो फ्रेज आते हैं, विधि के समक्ष समता, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, विधि के समक्ष समता को अमेरिका से लिया गया है और इसे ब्रिटेन से। चल, विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या होता है। विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है दोस्तों कि कानून की नजर में चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे देश का आम नागरिक हो, सभी एक जैसे होते हैं। किसी के लिए कानून अलग नहीं है। भारत में यदि भारत में एक कानून बनाया जाता है कि भ्रष्टाचार के लिए, या किसी एक सामान्य कानून बनाया जाता है कि यदि चोरी के लिए दंड 5 साल है, तो वो चाहे देश का प्रधानमंत्री चोरी का अपराध करेगा उसको भी वही सजा मिलेगी, और चाहे देश का आम नागरिक कोई अपराध करेगा उसे भी वही सजा मिलेगी। ठीक, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या है कि विधि का समान संरक्षण होगा सभी को।
मीन्स विधि किसी के साथ जात पात ऊंच नीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। विधि सभी के को समान संरक्षण देगी, विधि सभी को बराबर प्रोटेक्शन देगी, बराबर सभी का सम्मान विधि करेगी। ठीक है, यदि हत्या के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है तो चाहे देश का प्रधानमंत्री करेगा हत्या, चाहे राष्ट्रपति करेगा, चाहे सांसद करेगा, चाहे विधायक करेगा, चाहे आम आदमी करेगा, सभी के लिए क्या है वह मृत्युदंड का जो प्रावधान है वह बराबर रहेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। ठीक है, कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार होगा और उन्हें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध रहेगा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध, अर्थात किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ भारत के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी पांच आधार हैं, इसे आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 पांच आधारों की चर्चा करता है, कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य किसी भी तरीके से कोई विभेद नहीं करेगा, राज्य उनके साथ किसी भी तरीके से असमानता का व्यवहार या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मूल वंश आपका कुछ हो, जाति आपकी कुछ हो, लिंग आपका कुछ हो, आपका जन्म स्थान कहीं पर भी हुआ हो, इन आधारों पर आपके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात आप सार्वजनिक भोजनालय में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, बसों में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसी तमाम जगहों पर जाने से आपको इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, मीन्स ऐसे इन आधारों पर आपको सार्वजनिक स्थानों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। सरकारें इन आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव वाला बर्ताव नहीं कर सकती हैं। ठीक, अनुच्छेद 15 में ये पांचों फ्रेज आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो सरकार किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकती है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी आधार पर जहां लोक नियोजन की बात होगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, वहां सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, समान मौके दिए जाएंगे, बराबर का मौका होगा सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार से असमानता का व्यवहार नहीं होगा, सभी को कानून समान नजरों से देखेगा, समानता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है यहां पर, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सभी व्यक्तियों को बराबर जो है वह देखा जाएगा, एक जैसी निगाह से देखा जाएगा। हाँ, यहां पर एक चीज है, जन्म स्थान के आधार पर राज्य कुछ सीटों का आरक्षण जरूर कर सकती है अपने लिए, ना अपने यहाँ के नागरिकों के लिए, अपने यहाँ के जो आदिवासी हैं, मीन्स डोमिसाइल के आधार पर। मध्य प्रदेश ने कोई भर्ती निकाली, उत्तर प्रदेश ने कोई भर्ती निकाली, वो अपने यहाँ की महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करते हैं, सीटों को आरक्षित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं,
या इसका उल्लंघन नहीं माना जाता है। ठीक है, लोक नियोजन में राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा छुआछूत के आधार पर। किसी के साथ यह नहीं कहा जाएगा आप बैकवर्ड कास्ट के, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, दूर रहिए। जो पहले जो है ये तमाम कुरीतियां समाज में व्याप्त थी छुआछूत का, आप इस समुदाय के हैं आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप इस समुदाय के हैं आप सार्वजनिक कुओं में पानी नहीं पिएंगे। तो इन तमाम प्रकार की जो घटनाएं होती थी उन घटनाओं उन कुरीतियों को रोकने के लिए सरकार ने, जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान निर्माताओं द्वारा, उन्होंने अनुच्छेद 17 में कहा कि अब सभी प्रकार से छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा, हर व्यक्ति एक बराबर होगा, कोई किसी व्यक्ति को जो है वह छुआछूत के आधार पर निवारित नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का उन्मूलन, या अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात सेना और विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर, सेना और विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य प्रकार की किसी भी उपाधि का प्रचलन भारत में नहीं रहेगा। वो राजा साहब हैं, फलाने लंबरदार हैं, है ना, पहले चलती थी तरह की तमाम उपाधियां लोगों को दी जाती थी गांव में समाज में। अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना और विधा संबंधी, यानी सेना में तमाम प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, सेना अवार्ड होता है तमाम प्रकार के होते हैं वहां पर, है ना, सौर चक्र, परमवीर चक्र, सेना मेडल, ये तमाम जो अवार्ड होते हैं। विधा, विधा मीन्स पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब विधा संबंधी है। तो भारत में केवल दो ही प्रकार की जो है उपाधियां रह जाएंगी, वो रह जाएंगी सेना संबंधी उपाधियां और विधा संबंधी उपाधियां, और इन उपाधियों के अलावा अन्य तमाम प्रकार की जो उपाधियां होंगी वो समस्त उपाधियों का अंत किया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा। और यदि किसी भारतीय नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेनी है, प्राप्त करनी है मानद उपाधि, तो वह किसकी अनुमति लेगा, राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही उस राज्य की उपाधि धारण कर सकता है, अदरवाइज वह उपाधि धारण नहीं कर सकता। स्पष्ट है, यहां पर क्लियर है। यह हमने आज देखा इस वीडियो में अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 12 तथा 13 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, हम लोग मौलिक अधिकारों का बचा हुआ पार्ट देखेंगे, है ना। उससे पहले आप के लिए जानकारी, संस्था द्वारा जो बैच संचालित हो रहा है आपके लिए लेखपाल के लिए, एंट्री लेखपाल आप लिखिए और उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, 8736093317 पर आपको व्हाट्सअप करना है, और इसके बाद आप अपनी प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, COVID-19 का संक्रमण फैल रहा है, आप जहां पर हैं वहीं पर रहिए, वहीं पर रहकर आप पढ़ाई करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप भी सुरक्षित रहें, यही हमारी जो है शुभकामनाएं हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।